Last night I had a dream. ये आ गया जी हमारा ब्रेकफास्ट, इडली, फ्रूट्स, चाय विदाउट शुगर, लेकिन शुगर डाल देंगे। ये देखो, ये है सिमरन की गाड़ी, बर्फ ही बर्फ हमारी गाड़ी। ओ शिट, सब जगह पे बर्फ बर्फ है। यहाँ 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 ये तो पूरा जम गया है। इसका हैक निकाल लिया था हमने अभी। यहाँ पर ना -1 -2 0 इतना चल रहा है, क्या है कि जम जाता है। बट पानी डालेंगे और अंदर से हम वो चालू कर देंगे उसका हीटर, तो ये थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, -20 पे इंजन ऑयल जम जाता है तो उतना टेंशन नहीं है। नहीं तो अगर इंजन ऑयल जम गया तो फिर तो इंजन खोल के उसमें गर्म पानी डाल के बहुत मगजमारी होती है। इतनी ठंड में फॉर्च्यूनर पहली बार आई है, और इतनी ठंड में श्रीनगर मैं भी पहली बार आया हूँ, और गुलमार्ग भी मैं पहली बार जा रहा हूँ, इससे पहले कभी नहीं गया मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाहर दिखा रहा है -1 और ये टेम्परेचर देखो। और डीजल गाड़ियों को ना ऐसे ठंड में ज्यादा चालू करके रखना पड़ता है। सामने से ये क्लियर हुआ नहीं है, अगर मैं इस पे वाइपर मार दूं तो वाइपर शायद खराब हो सकता है। अभी नहीं मारूंगा, बाद में मारूंगा, बट पानी डाल के रख दिया। पिघल जा ए बर्फ, पिघल जा। थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है यहाँ पर, थोड़ी देर और लगा के रखना पड़ेगा। और क्या है, ड्राई फ्रूट खाओ थोड़ी गर्मी मिलेगी। ड्राई फ्रूट से गर्मी मिलती है? नहीं पता। ये तू तो आज वो लग रही है, रंग बिरंगी पंछी। पंछी 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 होती है ना जो बहुत ज्यादा जिसमें रंग होता है, पैरट। हाँ मोरनी। लेकिन आज भी तेरा ड्रेस सही नहीं लग रहा है मेरे को। नहीं है ना जैकेट, और एक है। हाँ। चलो भाई निकलते हैं। एक मिनट, मेरा एक सेल भी नहीं आया अभी तो। ओके, आपका भी नहीं आया क्या? ये रहा CNH। हाँ, तो कहाँ तक लगेगा उसको? थोड़ा है ना ऊपर होना चाहिए। वो हुआ तो मतलब इंजन गर्म होना स्टार्ट हुआ। अगर इस ऐसे में अगर आप चलाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बाद में प्रॉब्लम। जब से हम मुंबई से निकले हैं तब से लेके अब तक हमारी गाड़ी चली है 2382.3 किलोमीटर। जाते जाते और दो हो जाएगा, मतलब ये टोटल चल सकता है। चल सकता। अरे नहीं यार, अभी तक एक भी पॉइंट ऊपर नहीं हुआ है। मेरा भी नहीं आया अभी तक एक भी पॉइंट। जब तक चलेंगे नहीं, गियर नहीं डलेगा, आरपीएम नहीं जाएगा। ठीक है ठीक है, चलते हैं। आई हैड अ ड्रीम ऑफ अस कमिंग टुगेदर लास्ट नाइट, इन माय ड्रीम आई सॉ यूनिटी, आई हैड। ऑलराइट, कल जब हम सुबह सुबह निकले थे फॉग तो था, टेम्परेचर भी डाउन था, गाड़ी में जीरो दिखा रहा था। आज -2 तक गया है लेकिन महसूस थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो क्या बोलती है पोपट? रंग बिरंगा पोपट क्या ढूंढ रही है मैं आप में? खोया हुआ प्यार? कुछ नहीं ढूंढ रही, पेट्रोल पंप ढूंढ रही। ये सारी गाड़ियां मेरे को लगता है गुलमर्ग ही जा रही है। साथ वाली है ना शायद? द ट्रैवल स्टोरी नीचे लिखा तो है। अपना ही वाला ही है, अपना वाला ही है। हमें ही दोबारा है। People were living in peace, seeing the eyes of justice. ये है गेटवे, गेटवे टू गुलमर्ग। अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर कहीं रुक के चाय पिए, क्योंकि चारों तरफ फॉग फॉग है और पेड़ों के ऊपर भी ऐसे मॉइस्ट जो थी वो बर्फ बन चुकी है। एक बार ठंड का मजा लेने के लिए एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बट चाय तो दिख नहीं रही है कहीं पे। और अगर चाय जो दे रहा है उसके पास बॉन फायर लगाओ तो मजा आ जाएगा। सोच के रूम रूम खड़े हो चुके हैं। अरे अरे अरे, रोने लग गए ये तो। मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे कैसे आप लोग को ये सारी चीज दिखाऊं जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। गाड़ी रुकी अपनी यहाँ पर। चाय वाला मिल गया, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। ऑब्वियसली बात है, मतलब जितना भी महंगा महंगा लेंस ले लें वो खूबसूरती जो आंखें देख रही है वो आप तक पहुंच नहीं पाएगी, बट कोशिश हम करेंगे। एक टाइम तो लाइफ में कश्मीर आना बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है। All nations were growing, all nations stood strong. ये आ गई चाय, लेकिन मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। मैं जब तक कश्मीर में हूँ मैं पीऊंगा कावा। तू भी कावा पिएगी? कावा पी के फिर हम गाना गाएंगे। कावा, कावा, कावा। ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पर ये बर्फ है, बर्फ भैया। ओ पाजी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
वो मजा व्हाइट व्हाइट जो लगा हुआ है इसके ऊपर पेंट बर्फ का, बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पर वो लोकेशन नहीं है, बट जहाँ से हम आए रास्ते में आते आते जो ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे, पूरा का पूरा वो पेड़ व्हाइट हो गया था। मतलब ये स्नोफॉल नहीं कहेंगे, जो शीत होती है, शीत को क्या कहते हैं, मिस्ट, ये फ्रॉस्टेड है। हाँ, फ्रॉस्ट जो हमारे कार में था ना, वही सेम चीज है। ये मंगोली, ये मंगोली और ये रंगोली। ओ, हमारा कावा आ चुका है, ये भी फटाफट पी लेंगे। मजा आ गया, पता कश्मीर ट्रिप। कहाँ थे, कहाँ आ गए? मुंबई में थे, चड्डी बनियान में ही। आ गए यहाँ, कपड़े ही कपड़े, क्या करें? मेरे को भी भागना पड़ेगा, जाओ। कुछ तो करना पड़ेगा। 17, 18, 19, 20. अभी से ये हाल है, गुलमर्ग में क्या होगा, लेकिन जो भी हाल है अच्छा ही हाल है यार। मजा तो आ रहा है, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे कम से कम मूवमेंट हो रहा है, कल जब सुबह निकले थे तब तो हिलने का भी मन नहीं कर रहा था। हाँ, गेस इज बैक, बैक अगेन, पुनिया इज बैक। हेलो फ्रेंड, रंगोली गई है, मंगोली आई है। चलिए, अगर आपको कोई कहे कि यहाँ पर काम करो, यहाँ पर रहो, रह सकते हो ऐसे मौसम में? नहीं, मुंबई इज द बेस्ट। मुंबई का वेदर बहुत सही है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंड, एकदम बराबर। ठंड थोड़ा टाइम के लिए सही है, लेकिन हमेशा के लिए ठंड नहीं भाई, क्योंकि अपना बचपना, अपनी जवानी सब मुंबई में, तो अपने को वो वेदर सूट करता है। यहाँ पर जो लोग होंगे ना, उनको यहाँ का वेदर सूट करेगा, फिर मुंबई में आएंगे तो शायद उन लोग नहीं रह पाएंगे। तू रह पाएगी? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, मंगोली तो नहीं रह पाएगी। कैसा सवाल था तू? इधर अगर रोड्स अच्छे मिल गए मुझे तो मैं वहाँ पे रह सकता, क्योंकि मेरे को बाइक चलाना बहुत जरूरी है। तो कनाडा में जाता, लेकिन नहीं यार, तू फिर चड्डी नहीं पहन पाएगा ना, तेरा फेवरेट, तो अपनी सेक्सी टांगे दिखा नहीं पाएगा, चलेगा तेरे को? वो नहीं, ये अच्छा पॉइंट था भाई, ये अच्छा पॉइंट था। ये तंगमाग गुलमाग वाला बॉर्डर तो काफी लोग हैं जो हर गाड़ी में झकझक के देख रहे हैं, शायद कुछ बेच रहे हैं। बड़े भाई गाइड का एंट्री करेगा, जो ऊपर में घुमाएगा आपको। गाइड है हमारे पास, वापस आके 75 रुपीज। म्युनिसिपल कमेटी तंगमाग गुलमार्ग। चेक इन कुछ नहीं है, सिर्फ टोल है 75 रुपीज का। हाँ, हो गया, 75 रुपए दे दिए। 75, समझी गया। सो जैसे ही हमने क्रॉस किया वो बैरिकेड जहाँ पर हमने 75 रुपए दिया था, उसके बाद ट्रैफिक चालू हो गई और माउंटेन रेंज अच्छे से दिखने चालू हो गए भाई, हिमालयस। तो वो बेसिकली बैरिकेड था कि श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए तंगमर्ग क्रॉस करना पड़ता है, तो ये तंगमर्ग टाउन है, फिर गुलमर्ग आएगा यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर बाद। एंड गुलमर्ग इज फेमस फॉर स्कीइंग, पाउडर आइस, तो मतलब यहाँ पे वैसा वाला स्नो होता है जो एक दूसरे के ऊपर से फेंकेंगे और लगेगी नहीं, जैसे सिसु में जब फेंक रहे थे तो लग रही थी, यहाँ पे बहुत ऐसे ड्राई आइस होती है। तो मैं आइस के अंदर पत्थर रख के तिरको मारूंगा तब लगेगी तिरक। यहाँ पर केबल कार है जिसे गंडोला भी कहते हैं, इंडिया का हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट, तो उस पे बैठ के हम सफारी करेंगे। All shapes and colors. People were building a beautiful, unstable home. Last night, in my dream, I saw humanity. And I woke up. अब तक हम लोगों ने कम से कम 10-15 लोग को देख लिया जो मेरी जैकेट पहने हुए हैं। जो कपड़े आपने एक बार डाल लिए वो लाइन लग जाती है मार्केट में। ये जो मैंने जैकेट पहना, ये मैंने लिया था डीकैथलॉन से। ये जैकेट पहने में यहाँ पर कम से कम 15-20 लोग दिख गए मुझे, तो मैं ये जैकेट नहीं पहनूंगा। अब मैं अपना जो मनाली में लिया था मैं वही पहनूंगा। तो अभी हम जहाँ पर पार्क होता है वहाँ पहुँचे हैं, और जो गंडोला होता है वो थोड़ा और ऊपर है। अभी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क करना है या आगे जाना, तो मोहित भाई से पूछेंगे, उनका फोन लग नहीं रहा है। बट पहले जैकेट चेंज करना जरूरी है। चल ठीक है गुडू, इतने लोगों ने पहन लिया, इतना ट्रेंड चलाता हूँ, देखा मैं ट्रेंड से था। वो तो अच्छा है कि कुछ कुछ कपड़े ऐसे जो कहीं नहीं मिलते, अगर मिलने लगे ना पूरा वही पहनेंगे। जी हमें यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी है, हमें कहीं और आगे गाड़ी पार्क करनी है, बट यहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं कि आगे जा नहीं सकते। ये क्या चीज है, देना 50 रुपए। चलो सर, पहले हमने दिया 75 रुपए, फिर हमने दिया 50 रुपए। I had a dream of us coming together last night. In my dream I saw unity.
I had a taste of democracy, and I felt. यहाँ गाड़ी पार्क की है, जो मेन पार्किंग थी वहाँ पर नहीं लगाए। गंडोला यहाँ से मेरे ख्याल से 5 मिनट होगा, तो यहाँ से वॉक करके जाना है। बर्फ इतनी नहीं है यहाँ पर, शायद हमें बता रहे थे जब बर्फ पड़ती है ना तो यहाँ पर टूरिज्म बढ़ जाता है, तो सारे जम्मू वाले लोग लोकल लोग यहाँ पर आते हैं। बट बर्फ अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट बस है इतनी भी हमारे लिए। Welcome to phase 1 of Gandola. Ahmed Bhai is your local guide. So we'll go, phase 1 is 8 minutes of ride. So there is a queue inside. After this queue, we will go for 8 minutes of ride of phase 1. Or once you reach phase 1, there is a exploration which you need to do for another 2 hours. Sambhal ke, black eyes ho gayi hai. Mere shoes kal ko kar rahe hain ji. Kya kar rahe hain? Gulmarg drift ban raha hai. Abhi upar aaya main wapas chala gaya. बहुत खूबसूरत है गुलमर्ग, ब्यूटीफुल। मजा आ रहा है कि नहीं? आराम से बहुत मजा आ रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो तो थोड़ा बॉडी गर्म रहेगा। ये लाइन लगानी पड़ रही है हमें, ये सारे लोग गंडोला जा रहे हैं। एक लंबी लाइन खत्म हुई, अब दूसरी लंबी लाइन यहाँ, वो लाइनें खत्म नहीं हो रही है। बना? ओ ओ फाइनली कम से कम दरवाजे के अंदर तो आए। नाउ वी आर स्टार्टिंग टू राइड। ओके फाइनली गंडोला रे गोला रे डोला रे डोला गंडोला रे। भैया मेरे को थोड़ा सा ना हाइट से लगाव है। डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगी तो खाना खाओ। माँ की आँख बीच बीच में झटके दे रही है ये। नहीं ठीक है, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बैठ गया। ओह अरे क्या रे मक्की रे, भूल रहे यार हम। करंट चली गई, करंट अभी आएगी। वाह पूरा गंडोला राइड है, ये टोटल 9 मिनट का है। अभी आधा रास्ता कवर हो चुका है, आधा से ज़्यादा। वो देखो दिख रहा है वहाँ जाने। हाँ। एकदम स्लो नहीं होएगा? होएगा सही सलामत पहुँच गए। पहले की हाइट कितनी थी? 2650 और अभी 3050 मीटर। क्या लोकेशन, क्या जगह पे हम आ गए हैं। सो यहाँ पर एक और गंडोला चलता है, केबल कार, जो और ऊपर तक जाता है, जिसे फेज 2 कहते हैं। अगर यहाँ जाना है तो इसका अलग से टिकट लेना पड़ता है और ऊपर जाके फिर स्कीइंग होती है। यहाँ पर भी होता है स्कीइंग जो बिगिनर लेवल का। गाड़ी का बात करो सर जी। हाँ एक मिनट में दिखाता हूँ। दिखाइए ये जिसमें आपका थोड़ा वीडियो भी बना है। वो भी ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यही सब है, पहले कुछ खाते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है भैया। कहाँ आ गए? गुलमर्ग आ गए, कश्मीर आ गए। चलो 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 मैगी खाएंगे। गर्मा गर्म मैगी, चीज एंड बटर मैगी। व्हाट अ लाइफ, लाइफ अ व्हाट। ओ भाई बिस्मिल्लाह करो। मैगी खाने के बाद और कावा पीने के बाद अंदर पूरा गरम गरम हो चुका है, तो हमने ये स्लेजिंग करेंगे, स्लेज पे सवारी करेंगे। आज का व्लॉग बहुत ही क्रेजी होने वाला है। मेरे ऊपर आई लड़कियों के तो मजे ही मजे, यही होता है लड़कों के काम। एक सूचना जनहित पे जा रही है। जब हम यहाँ पर आए थे तो ये लोग 2500-2000 कह रहे थे, तो हमने बार्गेनिंग करके 1000 में निपटाया एक आदमी का। सैंटा जिंगल बेल, जिंगल बेल। स्टार्ट। ये। 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 ये।
हवा में पाओ, हवा में, हवा में जा ही नहीं रहा पैर, हवा में, हवा में जा ही नहीं रहा पैर, हवा में रखो सर, अभी हवा में गया, अब पाओ नीचे, पाओ नीचे पाओ तो जो फर्स्ट राउंड था उसमें पैर ऊपर रखने थे मेरे को, लेकिन इसने मेरे पैर के ऊपर पैर रखा था जिस वजह से पैर ऊपर हो ही नहीं रहे थे। बट थोड़ा सा टेक्निक समझ में आया है, तो जो सेकंड राइड होगा मे बी शायद स्मूथ होने के चांसेस है, बट विल ट्राई बेस्ट। अभी आ रहा जाएगा आगे, ये एंजॉय बड़ी, ये पांव ऐसे लॉक कर दो, लॉक कर दो, अगर गाड़ी ज्यादा तेज हो गया सर तो, हाँ। तो रोक लेना, ये पांव नीचे उतारना, ठीक है ना, वरना गिर जाओगे और किसी को लग जाएगी। स्पोर्ट्स कारों से यही प्रॉब्लम रहता। अरे किधर आके रुके हमने, शुक्र है यहाँ पे रोक दिया आपने। गाड़ी रोकता तो आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है लेकिन। चलो जी अभी सिंगल सिंगल जाएंगे, सिंगल नहीं आप रिजवान भाई की गर्लफ्रेंड बन के जा रहे हो, टांग उठा लिया रिजवान भाई ने, ओ ये तो स्पीड बढ़ गई, अरे बम्पी ये। क्या रे ऐसे लग गया भाई, हो गया हमारा, ये ज्यादा मजेदार था, बहुत लंबा था, ये सारा बचपना बाहर निकल गया। चलो जी सारी मस्ती करके हो गया, मजा आ गया। अहमद भाई ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, अनएक्सपेक्टेड था बट अच्छे अच्छे स्लो मोशन वीडियो बनाए। अब ठंड बढ़ गई है, अब जा रहे हैं वापस, बहुत बर्फ देख लिया। आपका कौन सा ये मतलब चैनल है सर, यूट्यूब पे MSK डालोगे तो आ जाएगा। हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रही है, थकावट हाफ ज्यादा रहे भैया, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ से लेकर अंदर 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 बहुत लंबी लाइन है क्योंकि सभी नीचे उतर रहे हैं। गाइस मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत मजा, मजा आया, बहुत ज्यादा ब्रो, मजा आया, बहुत ज्यादा। ऐसे मजे लेना है तो तुमको आना पड़ेगा ट्रैवल स्टोरी के पास। यस ये वो, ये आदमी मजा कराएगा, ये आदमी मजा कराएगा। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल है। सी यू इन कश्मीर। स्पीति में थे, यहाँ थे, इसके बाद कहाँ? अभी मेघालय है, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय नॉर्थ ईस्ट, यूरोप चलते हैं, चलो। बस उसमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, आपको मुझे स्पॉन्सर करना पड़ेगा। Yeah boy. Fuck yeah. Mate. भैया कुछ पकड़ने के लिए तुम्हारा पैर फट गया, ये करो, अरे फिर बंद हो गया, ना 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 इंजन फेल, अबे 100-200 एक्स्ट्रा ले लो, लैंड करा दो। नहीं आपको सच्ची में डर लगता है? अरे मच बचा लेना इसकी एक टांग नकली है, वो नकली टांग मेरे काम आ रही है अभी ये, लेकिन हॉकी के बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन किसी बात से मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने इसकी टांगें तोड़ दी। ठीक है अभी अपन हो गया, अपने को हो गया, अभी वो अपने को आ गया सेट है। ऐसे बाहर लटकवा लो यहाँ से, जैसे मुंबई लोकल में लटकते हैं, बहुत आराम से लटका देंगे। ये जो बीच बीच में झटका रहा ना, ये झटके की माखी। आ गए हमारी गाड़ी के पास, जैसे हम नीचे उतरे ना, नीचे ठंड ज्यादा लग रही है, ऊपर से ज्यादा, पता नहीं क्या लॉजिक है इसमें। फिर से टेम्परेचर एकदम लो है, और सामने ये जो मेहनत कर रहा है वो आप अब देखोगे। To the
जीवन, वहीं बाजू बैठ के कुछ खाएंगे मैगी शैगी, क्योंकि रात को तो दावत है, पूरा पेट भर नहीं सकते। यहाँ हम जो पहला स्टॉप जहाँ पर पार्क करते हैं सारी लोग गाड़ियाँ, वहाँ रुके हैं। अभी रात के बज रहे हैं 12, हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। अभी हम गए थे खाना खाने के लिए, मस्त दबा के खाना खाया। मोहित भाई ने दावत दिए थे आज, कश्मीरी लोकल फूड हमने खाया है, मजा आ गया। पूरा दिन बढ़िया भी था, टायरिंग भी था, तो फिर क्या बोलते हैं, फिर लिव अ लिव अ ड्रीम, सबकी एनर्जी डाउन। जल्दी कर बाबा। हाँ तैयार है। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, डिन 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 डिन, मोए 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 मोए।